कि यहाँ पर एक प्राइवेट एजेंसी, उसका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कि हमारी आखिर स्थिति क्या है आज के दिन में, जो पहले हम कहते थे ये ऑक्सफोर्ड है, आज की स्थिति में हम कहाँ हैं। तो उसके रैंकिंग में हम लोगों का ऑल इंडिया में 25वां स्थान मिला। इस साल हम लोग NIRF रैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उसका डेट भी निकल चुका है, हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने के तरफ बढ़ रहे हैं, और NIRF रैंकिंग के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोगों का पटना यूनिवर्सिटी विद इन 100 रैंक में आवे, लेकिन उसके लिए बहुत काम करने होंगे। अगर 100 भी नहीं आता है, अगर तो जहाँ कहीं आता है हम लोग ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें, जो हम लोग नहीं कर रहे थे, तो रैंकिंग में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पिछले बार जो हम लोग को B+ NAC में जो ग्रेड मिला है, वो इस बार कम से कम AA+ की मिल जाए हम लोग को, जो कि 24 में होने हैं। दूसरा है कि जो वाईफाई की कमी है यहाँ पर, जो भी 7 निश्चय के तहत जो वाईफाई हम लोग को मिल रहा है, उसका सिग्नल बहुत ही वीक है। इसके लिए हम लोग प्रयास किए सेंट्रल गवर्नमेंट में, IT डिपार्टमेंट से 8,64,00,000 रुपया सेंक्शन हुआ, और उसके तहत वर्क अलॉट भी हो गया है। अर्नेट इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज का है, उसके साथ काम भी शुरू हो गया, सर्वे हो गया है, और 5 महीने में यहाँ पर वाईफाई साइंस कॉलेज से लेकर के दरभंगा हाउस फुल्ली नेटवर्क हो जाएगा उसमें। और हम लोगों का जो अभी 10 MBPS है, वो 10 GBPS में चला जाएगा। तो स्पीड सोच सकते हैं क्या कहाँ पर पहुँचेगा उसका। हम लोग सुचारू रूप से यूनिवर्सिटी को कार्य करने के लिए IT सेल की गठन की है, जो कि आप लोग के माध्यम से हमेशा पेपर में आते रहता है। प्लेसमेंट सेल भी हम लोगों ने गठित की है। अभी 2 दिन पहले 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, जिसका कि पैकेज 8,00,000 से ऊपर का था। तो इस तरह के जितने भी कार्य हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पटना यूनिवर्सिटी का जो इतिहास रहा है, उसको हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च एरिया को लें तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं, फर्स्ट टाइम 6 महीना के अंतराल में 100 से ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट जमा किए हैं, जो कि पटना यूनिवर्सिटी का एक रिकॉर्ड है। तो उसमें भी अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और 30 शिक्षकों में भी देख रहे हैं कि कंपटीशन की भावना आ रही है, कि हमारे एक फ्रेंड को प्रोजेक्ट मिल गया, हमको भी मिलना चाहिए। प्रयासरत हैं लोग, अगर प्रोजेक्ट आता रहा, रिसर्च का काम होते रहा, पब्लिकेशन स्वाभाविक है, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में जाएंगे, और जब जर्नल्स में पब्लिकेशन होंगे तो मेरा यूनिवर्सिटी भी आगे बढ़ेगा। जो है इसके पहले मैंने जो भी बताया, मैंने शॉर्ट में सोचा कि आप लोगों को बता दें कि हम लोगों ने क्या क्या काम की है और क्या कर रहे हैं। इस पर आने के पहले जो मेन पॉइंट, स्टूडेंट इलेक्शन पर आने के पहले और मैं बता दूं कि अभी हम लोगों का लाइब्रेरी 100 साल से अधिक पुराना है। वहाँ में करीब 2.5 से 3 लाख किताबें हैं, लेकिन उसका ऑटोमेशन अभी तक नहीं हो सका है। इसके लिए भी हम लोग टेंडर किए थे, लेकिन रीटेंडर कर रहे हैं उसको ऑटोमेशन के लिए। सो हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर में लाइब्रेरी भी फुली ऑटोमेशन के तरफ बढ़ जाएगा और हो जाएगा। तो इससे जितने भी सारे फील्ड्स हैं उसमें काम कर रहे हैं, और ये जो जैसा कि हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने बताया कि स्टूडेंट इलेक्शन हर साल होने चाहिए, लेकिन जो कोरोना काल जो 2 साल रहा, हमें बताया कि जब इलेक्शन में काम करने चाहिए, जिसको निगेटिव न्यूज़ नहीं कहेंगे, सकारात्मक ही कहेंगे, कि वहाँ पर आपने बताया कि नहीं, इस फील्ड में भी काम होनी चाहिए। तो इस सारे फील्ड में हम लोगों ने कोशिश किया कि काम करें, इसलिए मैं सब आप सबों को विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से और अपने तरफ से आप सबों को धन्यवाद देते हैं। मैं ज्वाइन किया था यहाँ सितंबर 2020 में, और आप लोगों ने उस समय देखा होगा कि उस समय कोविड का पूरा कहर था। उस कोविड में 15 दिन के अंतराल में हम लोग 37 यहाँ के एम्प्लाई को, रिटायर्ड और वर्किंग को खो चुके हैं। बहुत दर्दनाक स्थिति थी, फिर भी उस स्थिति में हम लोगों ने हर तरह से जान को जोखिम में डालते हुए भी हम लोगों ने हमेशा विश्वविद्यालय के कार्य को संपूर्ण रूप से चलाया। सबसे पहले एडमिशन की जो स्थिति थी यहाँ पर, जब आप लोगों ने देखा था ऑफलाइन था, बच्चे हमेशा परेशान रहते थे एडमिशन के लिए, तो एडमिशन को हम लोगों ने दुरुस्त किया और पूर्ण रूप से उसको UMIs के थ्रू ऑनलाइन एडमिशन से लेकर के एग्जामिनेशन तक उसको पूरा ऑनलाइन हम लोग कर चुके हैं। इससे बच्चों को बहुत ही आफियत मिली है। सेशन करीब करीब सही है, अगला जो जुलाई 2021
23 है, उस समय तक कोई भी ऐसा सेशन नहीं होगा जो कि एक महीना भी लेट होगा, तो उसको भी उस तरफ फील्ड में भी हम लोग काम किए हैं। तीसरा जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, जो पटना यूनिवर्सिटी जो हमेशा बोलते हैं कि इसका इतिहास रहा है, यहाँ के लोग बहुत आगे तक गए हैं, जो भी कारण रहा हो उस इतिहास को हम लोग कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा होगा दरभंगा हाउस, जहाँ पर बच्चे हमारे शिफ्ट में क्लास करते हैं, हिस्ट्री के बच्चे क्लास कर रहे हैं, वो निकलेंगे तो इकोनॉमिक्स जाएंगे, इकोनॉमिक्स निकला तो इंग्लिश जाएंगे, बड़ी स्थिति ये थी। हम लोग आ करके उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोगों ने काम किया और सरकार के सहयोग से हम लोगों को 149 करोड़ रुपया हम लोग को सैंक्शन हुआ और दो बिल्डिंग बन रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और दूसरा एकेडमिक ब्लॉक, एक है G+8 दूसरा है G+9। और जब एकेडमिक ब्लॉक बन जाएगा तो उसमें सारा दरभंगा हाउस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें शिफ्ट करेंगे और उसमें वाणिज्य महाविद्यालय जो है उसमें दरभंगा हाउस में शिफ्ट कर जाएगा। और ये जो दरभंगा हाउस है पूरा राजा ब्लॉक और रानी ब्लॉक पूरा एक वाणिज्य महाविद्यालय का कैंपस होगा। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में भी हम लोग काम कर रहे हैं और ये इसका टेंडर भी हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर के एंड में या जनवरी में इसका कार्य भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ रूसा के तहत भी हम लोग इंटरनेशनल हॉस्टल रिसर्च सेंटर का कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। तो इस तरह से जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो यूनिवर्सिटी में कमी थी उसको हम लोग पूरा करने के लिए हर फील्ड में प्रयासरत हैं और काम करने की ज़रूरत होती है। उसमें प्रॉपर भरा हुआ है नहीं, स्पेलिंग गलत है, सीरियल नंबर गलत है, रोल नंबर गलत है, जो भी है उसको चेक करने का 11 नवंबर 2022 को हम लोग उसको स्क्रूटनी करेंगे। और पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनल जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे वो 11 तारीख को ही हम लोग 5 बजे अनाउंस कर देंगे। उसके बाद बीच में गिरभान सेल हम लोगों ने गठित की है, अगर इस बीच में किसी बच्चों को कोई गिरभांसेज हो तो 12 तारीख को 3:30 बजे तक अपना गिरभांसेज रख सकते हैं गिरभान सेल के तहत। और जो गिरभान सेल जो है 12 तारीख को 5 बजे तक अपना डिसीजन देगा कि जो गिरभांस जेन्युइन है तो ठीक है, नहीं है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो भी गिरभांस सेल ने डिसीजन दिया उससे बच्चे संतुष्ट नहीं है तो अपील भी कर सकता है। वो अपील करने का जो है ये है 6 बजे शाम में 12 तारीख को ही वाइस चांसलर के यहाँ वो अपील कर सकता है कि ये मेरा गिरभांसेज था, गिरभांसेज कमिटी ने जो डिसीजन दिया है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर बाय द कैंडिडेट, जो भी नॉमिनेशन भरे हैं ये सब के बाद चाहें तो कैंडिडेट अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। उसकी तिथि हम लोग रखे हैं 14 नवंबर 2022 को 3:30 बजे तक नाम अपना वापस ले सकते हैं। डिसीजन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी 14/11 को ही 5 बजे तक आ जाएगा। और पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो फाइनली सब अपील के बाद सब कुछ होने के बाद 14 नवंबर को भी 6 से 7 बजे तक हम लोग इसको अनाउंस कर देंगे कि ये फाइनली यही ये लोग जो हैं इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और डेट ऑफ वोटिंग जो है जो 19 नवंबर 2022 को 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम लोग रखे हैं, 19 नवंबर 2022 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक इसका वोटिंग है। ये वोटिंग के लिए हम लोग 10 बूथ बनाते हैं अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग 14 कंस्टिट्यूएंसी बूथ हैं, ज़्यादा हो सकती टोटल कंस्टिट्यूएंसी 14 है। अब डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ये उसको हम लोग बूथ स्टूडेंट्स बूथ को हम लोग डिसाइड करेंगे। और वोट का काउंटिंग भी 19 तारीख को 4 बजे से लेकर के शुरू होगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी उसी दिन काउंटिंग के बाद शाम तक हर हालत में कोशिश करेंगे रात तक उसको हम लोग डिक्लेयर कर दें। और इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इलेक्शन के लिए ये बच्चों को हम लोग अनाउंस कर देंगे कौन कौन इलेक्शन करेंगे। और आज सारे जो भी हमने बहुत सारे कमेटियाँ बना रखी है ये सारा वेबसाइट पर चला जाएगा। इसके लिए हम लोग कुछ कमेटी बनाए हैं, एक टू कंडक्ट द इलेक्शन इसके लिए कमेटी बनाए हैं जिसमें चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो हैं हमारे बगल में बैठे हैं खगेंद्र जी हैं,
जो कि इन्हीं के देखरेख में पूरा इलेक्शन होगा। हम लोग काम करते रहे लेकिन इलेक्शन हम लोग नहीं करा सके। इलेक्शन पब्लिक गैदरिंग की बात थी और जो पब्लिक गैदरिंग आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन था, इसीलिए हम लोग इलेक्शन नहीं करा पाए थे। और इस बार जो है हम लोग इलेक्शन कराने के लिए सारी तैयारियां हम लोग किए हैं। सोचा हम लोगों ने कि आप लोगों के माध्यम से इसको हम लोग पब्लिक में भी दें कि हम लोग स्टूडेंट इलेक्शन भी कराएं। हमारे जो भी बच्चे हैं, यही बच्चे उसमें जो टैलेंट है कि वो पॉलिटिक्स तरफ में भी जा सकते हैं। और मेन इलेक्शन नहीं होने से हम क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे, इसमें जो भी बच्चा है कभी कोई ना कोई आ जाता था कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम। अगर स्टूडेंट का यूनियन रहता तो यूनियन के माध्यम से जो भी बच्चों का प्रॉब्लम है उसके माध्यम से आने से एक बार आता है कि हाँ ये डिसीजन लेने हैं। अभी होता है कि 10 बच्चे आते हैं किसी काम के लिए, हम लोग करते हैं, दूसरा 10 बच्चा आता है कि नहीं सर इस काम को इस तरह से करने आए हैं। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि 2 साल में जो यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में हमेशा बंद रहते थे, कभी रोड ब्लॉक, कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये 2 साल में आपने कभी नहीं सुना होगा कि यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी में जिंदाबाद और मुर्दाबाद हो रहा है। यूनिवर्सिटी बिल्कुल शांत है। उसके पीछे एक ही कारण है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी है बच्चों के लिए है। जब कभी भी हमारे बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में तो मैं, अगर टीचर आ गए, स्टूडेंट आ गए, तो मैं पहले बुलाता हूँ छात्रों को कि क्या प्रॉब्लम है। और शिक्षकों को मैं, हम लोग ये भी बताते हैं कि ये आप बच्चे को इसलिए मैं बुलाया कि आप उसी के लिए हैं। अगर बच्चे हैं तो आप हैं और हम हैं। सो तो जो भी बच्चे का प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ बच्चों को हम लोग ये भी फ्रीडम देते हैं, कोई प्रॉब्लम लेके आता है मैं उसे भी पूछता हूँ कि ठीक है ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन बताओ। ये नहीं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो हर जगह है, उसका बेस्ट हो सकता है कि हम जो सोच रहे हों उससे सोल्यूशन बेटर तुम्हारा हो। तो बच्चे इससे जो भी हैं संतुष्ट हैं। अभी भी देखिए बहुत बच्चे आए थे, ज़रा सा भी मैंने बोला कि मैं आप लोगों से अलग से मिलूंगा व्हीलर सीनेट हॉल में, सारे बच्चे अनुशासित हैं, पहले के रेस्पेक्ट में सब चले गए। अदरवाइज पहले की जो स्थिति रहती तुरंत लड़के हल्ला करते कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मेरे लिए हो रहा है। एक बार मैंने बोला सारे बच्चे मान गए। तो कहने का मतलब कि जो यूनिवर्सिटी पहले था, बच्चे यहाँ पर जो अनुशासित थे आज भी अनुशासित बच्चे हैं और अनुशासन के तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन है हम लोगों ने इसको फुल्ली प्लानिंग कर ली है। इसमें आज हम लोग जो जितने भी हमारे वोटर्स हैं बच्चे हैं उसको शाम तक अपलोड हो जाएगा कितने हमारे वोटर्स हैं। और 20 और 21 को, 21 तारीख को 3 बजे तक जो भी हम लोग वोटर लिस्ट स्टूडेंट का अपलोड कर रहे हैं, किसी बच्चे का नाम छूट गया है, किसी का स्पेलिंग गलत है, कुछ गलत है, तो 3 बजे तक अपना यहाँ पर करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको हम लोग करेक्शन करेंगे। और 22 तारीख को जो फाइनल जो करेक्शन होगा, जबकि जो भी लोग बच्चों के तरफ से करेक्शन के लिए आएगा, करेक्शन के बाद 22 अक्टूबर को ही हम लोग उसको फाइनल वोटर लिस्ट अपलोड कर देंगे। और नॉमिनेशन फॉर्म जो सेल करने की बात है, 3, 4, 5 नवंबर को हम लोग नॉमिनेशन फॉर्म जो है बच्चे के लिए सेल करेंगे और जिसका प्राइस मामूली 10 रुपये का होगा। और यहाँ पर हम लोगों का सेल्स काउंटर है जहाँ से बच्चे नॉमिनेशन फॉर्म को ले सकते हैं। उसमें है सर्टिफिकेट ऑफ नो एकेडमिक कैरियर टू बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। सो नो एकेडमिक एरियर का सर्टिफिकेट उनको लेना पड़ता है। जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके लिए कोई भी हर तरह से अनफेयर मीन्स कहीं से बैकलग, कभी फेल नहीं हो, सारे जो रूल्स हैं उसके लिए उनको सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन उनको लेने पड़ते हैं। उसके लिए भी हम लोग 3 से लेकर के 9 नवंबर तक का डेट रखा है। नॉमिनेशन फाइलिंग का डेट हम लोग रखे हैं 7, 9 एंड 10, 7, 9 एंड 10 नवंबर 22। ये जो नॉमिनेशन कर सकते हैं बच्चे जो नॉमिनेशन फॉर्म परचेज किए हैं, 10 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में ये लोग अपना नॉमिनेशन फॉर्म 7 से लेकर के 10 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। थैंक यू। तो इसमें बहुत सारे, इसमें भी कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं सारे बच्चों को दे दी जाएंगी। और हम उम्मीद करते इसको आज हम लोग वेबसाइट पर सारे चीज़ को हम लोग अपलोड भी कर देंगे।
इलेक्शन का स्टेट्यूट है जो ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोडेड है और हम उम्मीद करीब 24,000। आप अभी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर एक तरफ आप बोल रहे हैं कि शांति का माहौल है, दूसरी तरफ वोटिंग के घोषणा से पहले बमबाजी हुई है कैंपस में। देखिए इसमें ये आपका कहना सही है, हम प्रयासरत हैं। जो पटना कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसमें कि हमेशा देखते हैं, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मिंटू हॉस्टल के बच्चे हैं, उसके बगल में जंक्शन है और उधर इकबाल हॉस्टल है। ये लोग वर्चस्व जो भी होते हैं उसमें, बच्चे यहाँ के नहीं हैं, बाहरी बीच बीच में आ जा रहे हैं, जबकि वहाँ पर मेरा टीओपी है, फिर भी आज घटनाएं घटी। ये बहुत ही दुखद है। हम लोग प्रयासरत हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं घटे और हम लोग प्रशासन से हमेशा बात कर रहे हैं, बल्कि हमने बात भी की है प्रोक्टर के माध्यम से। और बच्चे हैं, थोड़ी घटनाएं हैं तो उसको तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन जो स्थिति में कैंपस की बात मैं कर रहा था, जरूर बच्चे हमारे पहले से अनुशासित हैं। कुछ दिन पहले भी गोलीबारी हुई थी, अब बमबाजी हुई है, इसके बाद जो वोटिंग होगी तो उसमें सुरक्षा को लेकर क्या खास किया जाएगा ताकि ये सब फिर से ना हो? मैंने बताया कि सुरक्षा के लिए पहले से अनाउंस करने के पहले हम लोगों ने प्रशासन से बात की है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हम रईसार साहब, हमारे कर्नल कामेश कुमार खुद गए हैं और बात किए हैं। हर तरह से उधर से हम लोगों को ये मिला है, सहयोग करने की जो मिली है, आश्वासन मिला है, तभी हम लोग इसको अनाउंस कर रहे हैं। और मेंबर हैं जो कि इनके इनको असिस्ट करेंगे। और इसके साथ और भी इलेक्शंस ऑफिसर्स होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, काउंसिलर्स वगैरह हैं कॉलेज के, ये कॉलेज में ही रिजल्ट हो जाता है। लेकिन जो मेन पोस्ट है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, इसका डिसीजन सेंट्रलाइज होता है। वो हम लोग एक जगह जहां वोटिंग काउंटिंग, वोट का काउंटिंग होगा, वहां से हम लोग करेंगे। इसके लिए भी हम लोगों ने कमेटी बना दी है, उसमें चीफ इलेक्शन को में हमारे खगेंद्र जी हैं और लोग एडवाइज़र हैं, प्रोफेसर बीरेंद्र प्रसाद जो कि हमारे बगल में बैठे हैं, जो हमेशा समय पर एडवाइस करेंगे। और ऑब्जर्वर में है प्रोफेसर मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन, डायरेक्टर IPRS पटना यूनिवर्सिटी, और सुहेली मेहता जो कि हमारे दाहिने साइड में बैठी हैं। और इसके अलावा सब जगह जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उसमें है प्रोफेसर अतुल आदित्य पांडे, अनुराधा सहाय, लक्ष्मी नारायण सिंह, मोहम्मद आलमगीर, प्रोफेसर सरदेंदु, प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ, प्रोफेसर अशोक कुमार, प्रोफेसर इनके झा, प्रोफेसर नमिता कुमारी, प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद, प्रोफेसर आशुतोष कुमार, डॉक्टर मनोहर जहान, डॉक्टर एम रश्मि AC, डॉक्टर अजय कुमार पांडे, ये लोग सारे कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रिंसिपल हैं, जो कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन ऑफिसर्स होंगे। इसके अलावा जो हमने गिरभान सेल की चर्चा की, गिरभान सेल में अनिल कुमार जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं उनको रखा गया है। और मेंबर में हैं इनके झा, डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर रजनीश कुमार, कर्नल कामेश कुमार जो हमारे बाएं बैठे हैं, हमारे रजिस्ट्रार हैं और एक तरह से यहाँ मेंबर तो हैं, लेकिन ओवरऑल देख रेख फाइनली रजिस्ट्रार को रहेगा। जो भी व्यवस्था है, जो भी जहाँ कहीं भी जिस किसी की व्यवस्था हो, हमारे रजिस्ट्रार साहब देखेंगे। और जो सुरक्षा संबंधी जो भी व्यवस्था है, ये हमारे प्रोक्टर रजनीश जी जो दाहिनी तरफ बैठे हैं, इनके देखरेख में होगा। और जो हम लोग इलेक्शन अभी अनाउंस कर रहे हैं, इसकी वर्बल सूचना भी हम लोगों ने लोकल प्रशासन को दे रखा है। और इसके बाद आज के अनाउंसमेंट के बाद सारी लेटर्स चले जाएंगे, प्रशासन की मदद से हम लोग इस इलेक्शन अच्छी तरह से कराने में सक्षम हो पाएंगे। और आप लोगों का सहयोग रहा सही चीज़ को हमेशा प्रकाशित करने का, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसमें टोटल हमारे वोटर होंगे, आज अपलोड कर लेंगे, करीब हमारे अप्रॉक्सीमेटली 24,000। हाँ, इसकी कॉपी हम लोग आपको दे देंगे अभी। अच्छा, इसमें जो है, ठीक है, इसको जो है ना डाउन सर, चेहरे से डाउन, चेहरे पर आ रहा है।
सर इधर देखो। इसके लिए देखिए जिम्मेवार तो कॉलेज प्रशासन यूनिवर्सिटी प्रशासन इसके लिए है, लेकिन कुछ हद तक हमारे छात्र भी जिम्मेवार हैं कि हमारे यहाँ आते हैं कि हम जब हॉस्टल को खाली करते हैं, खाली करा भी देते हैं, बहुत सारे हॉस्टल को खाली कराए चले जाते हैं, फिर इसके बाद फिर एक महीना रहते हैं फिर उसमें आ जाते हैं। अब डेली जब तक यहाँ पर प्रशासन का उसमें मॉनिटरिंग नहीं होगा तब तक जो स्थिति बनी है, मैंने ये भी कहा कि इसमें जो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं इन लोगों को है कि हम नेता बने, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि हम बम फोड़ें तो मेरा पेपर में नाम आवे, पेपर में नाम आवे तो हमको जाने कि कौन आदमी है, हम इसके लिए लड़ते हैं। स्थिति तो बहुत दयनीय है, आपका कहना एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि इसको जैसे भी हो कम करें, और कम करने का एक ही उपाय है कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। अभी जो हुआ इलेक्शन के चलते हम लोग कोरोना के चलते इन्वॉल्वमेंट बच्चों को हम नहीं करा सके, अगर ये कोरोना नहीं रहता तो मैं उस पर भी कंट्रोल कर लिया होता। अभी हम लोग स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज शुरू कर रहे हैं, तो बच्चे स्पोर्ट्स में कल्चरल एक्टिविटीज़ में क्विज में इस तरह से इन्वॉल्व करें, स्वाभाविक है उधर से थोड़ा सा उन लोगों का डाइवर्सन होगा। तो बच्चों को हम लोगों को माइंडसेट को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, और डाइवर्ट करने का ही है कि उसको इंगेज रखें, केवल हमेशा पढ़ावें परीक्षा लें उससे होगा नहीं। तो उस तरफ अभी हम लोग स्पोर्ट्स भी अनाउंस किए हैं, लेकिन इतनी बिगड़ी हुई है स्थिति कि एक पैक हम लोग नहीं सुधार सकते हैं। चुनाव में कोई खास ऐसा बजट नहीं है, जो भी नॉर्मल खर्चे होते हैं 4 से 5 लाख रुपया बस इतना ही है।